हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेमेल्स किचन। आज हम चिकन फ्राई बनाएंगे। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन फ्राई बनाया, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन फ्राई बनाते वक्त चिकन को ढंग से वॉश करके इसे 5 से 10 मिनट तक नमक पानी में सोख करके रखें। इससे हमारे चिकन काफ़ी जूसी बनते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर काफ़ी अच्छा आता है, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 छोटी चम्मच चिकन मसाला, 1/2 छोटी चम्मच तंदूरी मसाला, 2 बड़ी चम्मच नींबू का रस, 10 से 12 करी लीव्स बारीक कटे हुए, धनिया पत्ता 2 बड़े चम्मच, 1 अंडा, मैंने इसे ऑलरेडी बीट करके रखा है, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर, 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच दही। इसे ढंग से मिक्स कर दें। कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करने से इसका एक्सेस पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और चिकन पे बहुत अच्छा कोटिंग आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि चिकन प्रॉपरली कोट हो चुका है। अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख ले ताकि ये ढंग से मैरिनेट हो जाए। अब हम चिकन फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा है। अब हम तेल में थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। अगर बैटर ऊपर तैर कर आए तो मतलब हमारा तेल प्रॉपरली गर्म है। तेल प्रॉपरली गर्म है, गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। अब बड़े ही सावधानी से चिकन के एक एक पीसेस तेल में डाल दें। आप इसे हाई फ्लेम पे ना कुक करें। हाई फ्लेम पे कुक करने से चिकन बाहर से ब्राउन कलर के हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करें। बीच बीच में इसे पलटते रहें ताकि चिकन हर तरफ से फ्राई हो जाए। अब चिकन के प्रॉपरली कुक होने तक इसे फ्राई करें। अभी लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे चिकन प्रॉपरली कुक हो चुके हैं। अब इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट और कुक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी कुक कर लेंगे, चिकन के कुक होने तक मीडियम फ्लेम पे और बाद में 1 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे ताकि चिकन क्रिस्पी हो जाए। मैंने ये सारे चिकन फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 1 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये सुपर क्रिस्पी बन जाए। तेल को हाई फ्लेम पे मैंने उसके लिए गरम किया है और सारे चिकन पीसेस उसमें डाल दें। हाई फ्लेम पे कुक करने से चिकन काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इसमें 10 से 12 करी पत्ते और 2 हरी मिर्च लंबाई में कटा हुआ ऐड कर दें। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। करी पत्ते डालते वक्त पैन का लिड बंद रखें ताकि तेल के छींटे ना पड़े। लगभग 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। हमारे सुपर क्रिस्पी चिकन फ्राई रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।